हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, 16 जून को जो यूपीएससी का प्री होने वाला है उसका एडमिट कार्ड आ गया है, और देख लेते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें गूगल के वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पे हमें लिखना है यूपीएससी एडमिट कार्ड 2024। ठीक है, पहला ये अपना साइट खोलेगा, ये पहला साइट खोल लेना है हम लोग को, या दूसरा ये डायरेक्ट इसको भी खोल सकते हैं। पहला खोलेंगे तो हम लोग इस पेज पर पहुँचेंगे, दूसरा खोलेंगे तो डायरेक्ट इस पेज पे पहुंचेंगे। तो पहले के बाद क्लिक हेयर करेंगे तो अपने आप ये वाला आ जाएगा, बस एक स्टेप स्किप हो जाएगा अगर आप दूसरा साइड खोलेंगे। फिर यहाँ पे आ रहा है, देखिए, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2024 7/6/2024। इशू डेट ये है इसका, एंड डेट ये है। यहाँ पे क्लिक करिए डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सारे आपके इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, ये हिंदी में और इंग्लिश में। मेन इंस्ट्रक्शंस क्या है देख लेते हैं कि सबसे पहले आप देखिए, कोई भी अगर आपके एडमिट कार्ड में कुछ गलत है तो वो आप यूपीएससी की नोटिस में ले आइए। अपना एडमिट कार्ड आप लेकर जरूर आइए, और आईडी कार्ड लेकर आइए ओरिजिनल, जिसका आपने नंबर दिया हुआ है आईडी कार्ड का। जैसे आधार कार्ड दिया है तो ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर आइए, और जो आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होगा। उसके बाद से आप देखिए, एग्जामिनेशन हॉल में बिना उसके आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो भाई, एडमिट कार्ड प्रॉपर आपकी जिम्मेदारी है। क्या करो, सेफ्टी के लिए 2 एडमिट कार्ड रख लो। गर्मी का दिन है, क्या करे, कोई पसीना गिर गया, पानी गिर गया, कुछ हो गया, फट गया, खो गया, कुछ भी, तो 2 एडमिट कार्ड तो अब आराम से निकाल लो ताकि दिक्कत ना हो आगे। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्फ कस्टडी। ठीक है, हमारी जिम्मेदारी है और किसी की जिम्मेदारी नहीं है। ओएमआर शीट में अगर आप रोल नंबर से रिलेटेड कुछ गलत भरते हैं तो आपका जो है रिजेक्शन हो जाएगा वहीं पर। रोल नंबर सही भरना है, आंसर आप गलत भर सकते हैं। उसके बाद से आप देखिए, एग्जामिनेशन वेन्यू है, 30 मिनट्स क्लोज हो जाएगा बिफोर द शेड्यूल कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, डेट इज 9 AM। तो 9 बजे सुबह आपको वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में घुस जाना है, उसके बाद घुसने नहीं देंगे। और दोपहर वाले सेशन के लिए 2 बजे। सबसे बड़ी बात यह है, इससे पहले पहुँच जाना, नहीं तो एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा, घुसने ही नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यू शैल नॉट अपियर फॉर अदर एग्जाम, इतना मेंशन इन एडमिट कार्ड। ठीक है, आप देखो वेन्यू जो है, एक बार जहाँ पर है वहीं पे ये एडमिट कार्ड में जो आपके लिखा होगा वहीं आप जाके दे सकते हैं, कहीं और नहीं। ठीक है, कोई मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच और पेजर, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कुछ नहीं। सिंपल रिस्ट वॉच यहाँ पे अलाउड है, पर उसके साथ अगर कुछ भी फिटिंग्स होगी या स्पेशल एसेसरीज होंगी तो वो अलाउड नहीं होगा। और अगर आप पकड़े जाओगे तो वो एग्जामिनेशन हॉल में रख दिया जाएगा, मतलब निकाल दिया जाएगा आपको तो वहाँ से। पेनल्टी है, नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, क्वेश्चन ये सब हमें पता है। ब्लैक ब्लू पेन के अलावा कोई और पेन अलाउड नहीं है हमें, सिंपल सी बात। और कोई वैल्यूएबल आइटम लेकर मत जाओ भाई, वहाँ पे कोई क्या ही लेकर जाएगा। ठीक है, अगर फोटोग्राफ क्लियर नहीं है या उसमें डेट ऑफ फोटोग्राफ नहीं है और उसका नाम नहीं है आपका, जो नया रूल आया था इस बार, तो अपने साथ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेते जाइए ताकि वहाँ पे वो लगाएंगे। नेम, फोटो, QR कोड एडमिट कार्ड में सब करेक्ट है, आप चेक कर लिए, और साफ साफ दिखना चाहिए जब आप प्रिंट निकलवाएं। ठीक है, कंफर्म देयर विजिट, एक दिन पहले जाके आप वहाँ पे सेंटर चेक कर लीजिए, क्योंकि अगले दिन खोजने में दिक्कत ना हो, और ये जो टाइम है अपना मेन, ये टाइम अपना ना छूटे, तो ये हमें ध्यान रखना है। बॉल पेन हो गया, ब्लू और ब्लैक, ये सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन है। और ये एक लास्ट इंस्ट्रक्शन है कि जिसने अपना नाम चेंज कराया तो वो देख ले, जिसने नहीं कराया, जो लोग नहीं करवाते, ठीक है, इसका प्रिंट आउट निकाल लो, तुम्हारा मन पढ़ लो, तुम्हारा मन। यहाँ पे यस करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, नो करोगे तो आगे नहीं। तो यस किया तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ गया, रजिस्ट्रेशन आईडी से या रोल नंबर से। तो जब हम लोग करते हैं फॉर्म भरते हैं तो हमें मेल आता है रजिस्ट्रेशन आईडी का, तो यहाँ से हमने रजिस्ट्रेशन आईडी किया या रोल नंबर से किया। एक बार रजिस्ट्रेशन आईडी में क्लिक करोगे तो ये पेज खुलेगा, रजिस्ट्रेशन आईडी वाला। रोल नंबर में क्लिक करोगे तो ये वाला पेज खुलेगा, दोनों सेम है, बस यहाँ पे रोल नंबर डालना होगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए अपना, और ये कैप्चा भरिए और सबमिट कर दीजिए। सेम यहाँ पे रोल नंबर भरिए, डेट ऑफ बर्थ भरिए, कैप्चा भरिए, सबमिट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका डायरेक्ट एडमिट कार्ड खुल जाएगा। नेम चेक कर लो, रोल नंबर चेक कर लो, आधार कार्ड जैसे मैंने दिया था अपना अपना देख लो, जो फोटो आईडी है वही अपना लेकर जाना, फोटो चेक कर लेना, यहाँ पे नेम और डेट ऑफ फोटो चेक कर लेना, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सेंटर, इसी सेंटर पे जाओ देखो। वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन पहले अपना चेक कर लेना, टाइम देखो 9:30 से 11:30, तो आधे घंटे पहले, उसके बाद एंट्री नहीं मिलेगी। तो 9 बजे से पहले तो तुम्हें वहाँ पे कब का मतलब पहुँच जाना है, 9 बजे के बाद 9 बजे एंट्री नहीं मिलेगी। तुम 8:30 बजे मान के चलो,
तुम्हें वहां पे पहुंचना है दोपहर वाले स्टेशन के लिए 2:30 से 4:30, तो 2 बजे वहां पे पहुंचना है, तो तुम 1:30 मान के चलो, 1:30 तुम्हें वहां पे पहुंच जाना है। तो ये बस सिंपल, और इसका 2 प्रिंटआउट निकाल लो, ठीक है, जरूरी है हमारे लिए। बस इतना ही था, इंस्ट्रक्शन मैंने बता दिए, तो ऑल द बेस्ट सबको, गिव योर बेस्ट, थैंक यू।